आगामी 17 सितंबर को सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को साप्ताहिक जन्मदिन के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मना रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जिला महिला अस्पताल के जनरल वार्ड में पहुंचकर भर्ती मरीजों में फल वितरित किया गया और फिर महिला जिला अस्पताल की ओपीडी के गेट की स्वच्छता अभियान के तहत सफाई की गई। इस अवसर पर महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को है, जिसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साप्ताहिक जन्मदिन के रूप में मना रहे हैं और पूरे एक सप्ताह तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में आज जिला महिला अस्पताल में मरीजों के बीच में आकर फल वितरित किया गया, फिर स्वच्छता अभियान के तहत सफाई की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने कहा, यहाँ चला है क्या किनारे साफ हो गया, रियली साफ हो गया। अच्छा तो वो उठाने वाला है कुछ? हाँ, उठ जाएगा, उठ जाएगा, उठाने ले लो। जैसा कि आप पूरा भारत जानता है कि 17 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, तो उसके उपलक्ष्य में एक सप्ताह बीजेपी मना रही है। 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हम लोग उनके विभिन्न अभियान, जो कि उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, स्वच्छता का अभियान, वृक्षारोपण अभियान, पॉलीथीन से निजात पाने का अभियान, बच्चों को बताना कि और शपथ दिलाना कि वो पॉलीथीन इस्तेमाल नहीं करेंगे, खास करके सिंगल वाला जो पॉलीथीन होता है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, नॉन डिग्रेडेबल होता है, तो वैसे पॉलीथीन नहीं इस्तेमाल करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, स्वच्छता का जहाँ भी रहें वहाँ स्वच्छ रहें, अपने अगल बगल वालों को भी बताएं कि कूड़ा कहाँ फेंकना है। इसके अलावा जल को बचाने का, जल बर्बाद न करें जहाँ तक हो सके, क्योंकि जल बर्बाद करने से पानी की कमी, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि, पेड़ कटने से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और इस तरह से मौसम कितना चेंज कर गया है हर जगह का, तो इन सब अभियानों को हमारे माननीय मोदी जी ने कहा है कि कराने को, तो बीजेपी इन पाँचों अभियान में लगा हुआ है और हम लोग उसी अभियान के तहत आज महिला हॉस्पिटल गोरखपुर में आए हैं, सरकारी अस्पताल में, वहाँ महिलाओं को जो हमारी पेशेंट्स हैं उन लोगों को फल इत्यादि वितरण किए हैं, खाद्य पदार्थ वितरण किए हैं, और उसके बाद हम लोगों ने सफाई अभियान भी, हॉस्पिटल की सफाई देखी है, जहाँ गंदगी था वहाँ तो हम लोगों ने खुद झाड़ू लगा के सफाई किया है।